कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज हम बात करेंगे कि वेटनरी में डिप्लोमा करें और बने AVFO। तो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कि आप मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं यदि वहाँ से डिप्लोमा करते हैं और तो आप AVFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको डिग्री कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप पशु चिकित्सक बनना भी चाहते हो, तो AVFO आप बन सकते हैं असिस्टेंट ऑफ वेटनरी फील्ड ऑफिसर डिप्लोमा करने के बाद। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि डिप्लोमा क्या है, कितने साल का होता है, मध्य प्रदेश में इसके कॉलेज देखेंगे और इसकी फ़ीस देखेंगे और इसके एडमिशन कब होते हैं, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हम देखेंगे। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, जो स्ववित्तीय होता है और इसके जो मध्य प्रदेश में कॉलेज हैं उनकी संख्या है 5। ये नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आते हैं और ये 5 ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें से पहला जबलपुर में है, दूसरा महू में, चौथा मुरैना में और 5वां कॉलेज आपका भोपाल में है। तो वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके 5 हैं जहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होता है और ये आपका 2 वर्ष का होता है। यदि आप डिप्लोमा कर लेते हो तो उसके बाद AVFO एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और AVFO आप एक बन सकते हैं। आप असिस्टेंट ऑफ वेटनरी फील्ड ऑफिसर की एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसे क्वालिफाई करने के बाद आप AVFO बन सकते हैं। ये हमारे पास जो काउंसलिंग की लिस्ट जो पूरी डिटेल में दी हुई है, ये है 2020 की, 2020-21 का जो सत्र है, जिसमें जो स्टूडेंट ने MPPV पर जो डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है द हेड जो क्वालिफाई किया था, तो उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है कि आप कितने मार्क्स प्राप्त करने के बाद आपका सिलेक्शन या आप काउंसलिंग में आपने भाग ले सकते थे। तो बहुत ही इस बार सबसे कम कट ऑफ गई हैं, कहीं 15 नंबर तो कहीं 28 और कहीं 10 नंबर से अधिक नंबर वाले कैंडिडेट्स इसमें भाग ले सकते हैं। डिप्लोमा करने के डिप्लोमा जो होता है मध्य प्रदेश के 5 कॉलेज से होता है, इसकी हमने बात की। और इसके लिए करने के लिए यदि आप मध्य प्रदेश से करते हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और वह एंट्रेंस एग्ज़ाम MPPV प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें टोटल 100 नंबर के मार्क्स होते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने 12th गणित, कृषि या फिर जीव विज्ञान की है वह स्टूडेंट इनमें भाग ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिए गणित वाले स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं और इसके सिलेबस में जो रहता है कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर के आपके जो होते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 40 नंबर के आपके फिजिक्स और 20 नंबर के जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें 2 प्रकार की सीटों पर एडमिशन दिया जाता है डिप्लोमा में, जिसे फ्री शीट और पेमेंट शीट इसमें होता है, लेकिन जो फीस दोनों में ही लगती हैं तो वो फीस भी हम देखेंगे कि कौन सी शीट के लिए आपकी कितनी फीस लगेगी, तो वह भी हम आगे देखेंगे। और गाइस कि जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए द हेड की एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेड की एग्ज़ाम दे ये बगैर आप डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं द हेड एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, फ्री शीट और पेमेंट शीट। फ्री शीट और पेमेंट शीट में जो डिफरेंट है वह है 20,000 का। फ्री शीट वाले स्टूडेंट के 20,000 कम लगते हैं और पेमेंट शीट वाले को 20,000 अधिक पे करना होते हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सिलेक्ट होने के बाद फ्री शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो या पेमेंट शीट पर या फिर दोनों पर। तो आप दोनों पर सिलेक्ट कर दें ताकि जब आपका फ्री शीट पर एडमिशन ना हो तो आपका एडमिशन पेमेंट शीट पर हो जाए। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है। तो इसमें आप जब द हेड एग्ज़ाम होती हैं आपकी, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग की जो सूचना होती है NDVSU नानाजी देशमुख विज्ञान विश्वविद्यालय
पशुपालन विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर उसकी साइट पर आपको मिल जाएगी। काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होती है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होती है, और वहीं पर कॉलेज में काउंसलिंग के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फीस पे की जाती है। अब हम देखेंगे कि आपकी विभिन्न, जब आपके 2 साल का कोर्स होता है तो आपको प्रत्येक सेमेस्टर में कितने फीस पे करनी होगी, और ये भी देख लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं। तो इसमें जब आप जो दहेड की एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो तो उसकी आपकी अंक सूची लगती है, साथ ही में 12th और 10th की मार्कशीट की मूल अंक सूची और जो सारी फोटोकॉपियाँ लगती हैं, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र आपका मूल होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी आपका लगता है, इसके बाद 4 तत्काल के फ़ोटो, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, इसके बाद EWS का जो सर्टिफिकेट, साथ ही में मध्य प्रदेश का मूल निवासी। गाइस, मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो वो मध्य प्रदेश के इन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद यदि अध्ययन के दौरान 12वीं में अंतराल लिया हो तो उसका शपथ पत्र भी लगता है, इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट, यानी आपको जो कॉलेज आवंटित हुआ है उसका प्रिंट आउट भी यहाँ पर लगता हुआ। तो ये तो बात हुई कि आपको जब कॉलेज मिले उसके बाद की बात। इसके बाद भी हम बात कर लें कि आपकी फ़ीस, तो फ्री शीट वाले जो स्टूडेंट होती हैं उनको एडमिशन के समय 34,700 रुपये पे करने होते हैं, जबकि जो पेमेंट शीट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 54,700 रुपये फीस पे करने होते हैं। दोनों के बीच डिफरेंट होता है 20,000, और इसकी आपको रसीद भी मिलती है। देखते हैं यहाँ पर कि फ्री शीट वाले स्टूडेंट 34,700 फर्स्ट सेम के लिए पे करते हैं, उसके बाद जो पेमेंट शीट वाले स्टूडेंट 54,700 यहाँ पर पे करते हैं। इसके बाद जो अंतिम 3 सेमेस्टर बचते हैं आपके, उसमें 26,710 लगते हैं फ्री शीट वालों के लिए, और पेमेंट शीट वालों के लिए लगते हैं 46,710। तीनों सेम में अलग अलग आपको देना होते हैं। और यहाँ पर सीटों का डिवाइडेशन भी हुआ है, 5 जो कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में उनमें 315 कुल सीटें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई जाती हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट। तो आई होप दैट आपको जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा, और जब आप 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद आप AVFO एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक अच्छे पशु चिकित्सक बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑफ वेटरनरी फील्ड ऑफिसर। तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।